तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बगल में शादी थी और मैं उसी में बिजी हो गई थी। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25। एपिसोड 25 में हम देखते हैं चेंगमिंग की सिस्टर जिग्जुवी कहती है चेंगमिंग, क्या तुम खुश हो कि जनजन किसी और से शादी कर रही है? उसकी ज़िंदगी में तुम नहीं हो, मिस्टर निंग है जो कि उसको शायद बहुत पसंद करते हैं, तो क्या तुम इस बात से खुश हो? चेंगमिंग कहता है फ़र्क नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में मैं हूँ या कौन है, बस वो खुश रहे और प्रोटेक्टिव फील करे। तभी बहुत सारे पटाखे बज रहे होते हैं तो जिग्जुवी कहती है लगता है आज किसी की शादी है। तो चेंगमिंग बताता है नहीं, शादी नहीं है, ये जो भी फर्स्ट आया है ना उन लोगों को बधाई दी जा रही है। जिग्जुवी कहती है तब तो आज मिस्टर निंग बहुत खुश होंगे। चेंगमिंग कहता है हाँ। अगली सीन में हम देखते हैं मिस्टर निंग की माँ बात कर रही होती है अपनी एक सहेली से, तो उनकी सहेली कहती है अब तो तुम्हारे बेटे की शादी की उम्र हो रही है, तो कब शादी कर रही हो? तो उसकी माँ कहती है हाँ, उसने कहा था कि जब मैं परीक्षा पास कर लूँगा तो मैं शादी कर लूँगा। तो उसकी तभी उसकी एक सहेली आती है मिसेज माँ, वो कहती है कि मिस्टर निंग की अब तो शादी हो जाएगी, मिस्टर निंग ने परीक्षा में नंबर 1 का स्थान पाया और इधर जनजन स्मॉल पॉक्स से लड़ी। उसकी माँ कहती है नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, उन लोगों की सगाई हुई थी पर अब टूट चुकी है। तो उसकी सहेली कहती है नहीं, मैंने अभी शहर में सुना है वो मिस्टर निंग सबके सामने बोल रहे थे कि उन दोनों की शादी होने वाली है। उसकी माँ का ये बात सुनकर तो हालत ख़राब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ मिस्टर निंग घोड़े पे बैठे होते हैं और सभी लोग उनको बधाई दे रहे होते हैं, वहीं जनजन भी आई रहती है उनको बधाई देने के लिए। जनजन भी उन्हें बधाई देती है और जैसे ही मिस्टर निंग वहाँ से गुजरते हैं जनजन की नज़र पड़ती है जैन और बैंगटाओ और उसके बड़े भाई पर। वो तीनों उसको ऐसे देख रहे होते हैं मानो जनजन ने उनका क्या चुरा लिया हो। जनजन मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। जैन और बैंगटाओ उसके बड़े भाई वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं ये लड़कियाँ ऐसे क्यों होती हैं, इतनी धोखेबाज क्यों होती हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर यूंग की और उनकी बीवी जूली आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जूली बात कम और उन्हें ताने ज़्यादा मार रही होती है और वो कहती है कि मैंने सुना है मिस जैन मिस्टर निंग से शादी कर रही हैं जो कि नंबर 1 आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। वो बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो जैसा चाहती हैं वैसे ज़िंदगी जीती हैं। मिस्टर निंग कहते हैं वो तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो चिंता ना करो मैं उन्हें लाऊंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। जूली कहती है नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन मर चुकी है, तुम याद रखना। तो मिस्टर निंग कहते हैं नहीं, तुम्हारी बहन मरी है या नहीं मरी है ये तो मैं पता लगा के रहूँगा। अगली सीन में हम देखते हैं मिस जैन मिस्टर वोंग के घर आई होती है उनकी बीवी को देखने के लिए और वो बताती है मैंने उनके पैर को पंचर कर दिया और उनको दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ पे ली योंगकी के सैनिक आते हैं और वहाँ सर्च करने लगते हैं और कहते हैं हमें खबर मिली है और हमें आपके यहाँ तलाशी लेनी है। मिस जैन समझ जाती हैं कि सब मेरी वजह से ही हो रहा है, तो वो उनको कहती हैं आप रुक जाइए मैं कुछ करती हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती हैं तो रास्ते में उनकी नौकरानी ली यर उनसे कहती है ये सब क्या बकवास है, तो वो बताती हैं कि वहाँ पे सर्च हो रहा था पर उनकी टारगेट मैं थी और वो जाकर ली यूंगकी से मिलती हैं। ली यूंगकी कहता है आखिर तुम आ ही गई, वो कहती हैं तुम कितने बुरे हो, ये सब तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी शादी तय हो चुकी है। वो कहता है तुम्हारी शादी? अब वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। तो वो कहती हैं क्या तुम मुझे अपनी तीसरी बीवी बनाना चाहते हो? तो हंसता है और कहता है कि तीसरी नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम उन सब में सबसे अलग हो। तो ये सब बात कर रहा होता है और वहाँ पे ली यूंगकी जो हंसता है भाई साहब बहुत बड़ा बोका लगता है, जब पहली बार मुस्कुराया था ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, अभी तो एकदम बेवकूफ़ लग रहा था, ज़रा तुम भी देखो। देख लिया, अब हो गया ना भरोसा। चलिए अगले सीन में हम देखते हैं ये मोटा आदमी एक मिनिस्टर होते हैं हुआंग चेंग का बेटा और ये बहुत बड़ा लड़कीबाज होता है और इसके पास जो बुढ़ा आदमी होता है ना ये इसको रिझा रहा होता है, खाना बना के लाया होता है खाना खा लो खाना खा लो। फिर ये मोटा आदमी कहीं जा रहा होता है, सभी लोग उसको बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। उसी भीड़ भाड़ में एक लड़की होती है जो उसको मारने के लिए आई होती है, वो जनजन से टकराती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं वही लड़की उस मोटे आदमी के पास जाती है और भीड़ में वहीं पे फूल ली होती है और वहीं पे गिर जाती है। वो मोटा आदमी दौड़ के आता है और उसको उठाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, और फिर उसे कहता है सुंदरी ज़रा चेहरा इधर करो। सुंदरी चेहरा इधर घुमाती है और चक्कू निकाल के इसको घपाक से पेट में घोप देती है। वो मोटा आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। मटका जैसे ही बेहोश होता है ना उस लड़की को सब मारने लगते हैं और वो लड़की सबसे रिक्वेस्ट करती है इसको कोई मत बचाओ कोई मत बचाओ,
तभी वो मोटका का बाप आता है और सबसे कहता है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। वहाँ पे सभी लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, कोई बचा नहीं पाता है और कहता है कि मिस जैन से कहिए, वो आपके बेटे को ज़रूर बचा लेंगे। मिस जैन से आकर उससे पूछते हैं तो वो लड़की रो रही होती है, कहती है इसे मत बताना, मत बचाना। वो जैन जैन उसको देखने के लिए जाती है उसके पास, तभी एक घोड़ा आता है और वो उसको कुचलने वाला ही होता है। तभी जानवर आके जनजन को वहाँ से उठा के किनारे कर देता है और घोड़ा उसके पेट पे चढ़ जाता है, जिससे मुटका तुरंत मर जाता है। और उसके मरने का पूरा दोष उसका बाप जनरल को देता है और उसको पीटने लगता है, कहता है तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। फिर सैनिकों से कहता है तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो, पकड़ लो इसे, और उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर क्यू आई कुछ बात कर रहे होते हैं और जनजन कुछ सोच रही होती है। फिर उससे याद आता है तो हमें पता चलता है कि जनजन उस लड़की को बचा ली होती है अपने सूझबूझ से। वो उसको एक दवाई देती है और कहती है तुम इसे खा लेना, जैसे ही वो मर जाएगा तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, ऐसा लगेगा कि तुम मर चुके हो। और वो बैंक ताओ उसके बड़े भाई से बताती है कि वो जिंदा है, उसे यहाँ से बचाकर कहीं बाहर ले जाओ। फिर हम देखते हैं जनजन घर पे कुछ सोच रही होती है, तभी जैनर का बड़ा भाई आता है और वो उसे बताता है कि चिंता मत करो, बैंक ताओ ने उसे शहर से बाहर भेज दिया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो मिनिस्टर होते हैं हुआंग चेंग, वो राजा से मदद मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं महाराज जैनर के वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है तो मुझे इंसाफ चाहिए, आप उसे मार डालो या कुछ भी करो, उसे पनिशमेंट दो। और कहते हैं कि वो उसके पिता को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस बात पर महाराज ली युंकी से कहते हैं जाओ और उसे बंद कर दो जेल में। ली युंकी उसे लेके जेल में जाता है और एक बूढ़ा क्रूर व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कैदियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, उन लोग को बहुत ज़्यादा मारता है, उन पर दवाइयाँ लगाता है, बहुत अजीब तरीके का इंसान होता है वो। ली युंकी उनसे कहते हैं कि एक आदमी है जिसे तुम्हें मारना है, तो वो बताते हैं कि वो सिर्फ 100 टाइम ही उसे हर्ट करना है। हम देखते हैं कि जैनर को बहुत ज़्यादा मारा गया होता है, उसके मुंह से खून गिर रहा होता है, उसके पूरे बदन पे चोट का निशान होता है और हमें पता चलता है कि ली उनके ऊपर पर्सनल दुश्मनी उससे निकाल रहा होता है और उसे खूब ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जैन अपने दवाई खाने में होती है, वहीं ली युंकी के 12वें अंकल आते हैं और वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं मेरे मेंशन में एक लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार है, आप चलिए और उनका इलाज कीजिए। जैन मन में सोचती है कि ये जरूर जैनर के लिए होगा, वो कहती है ठीक है रुकिए मैं अपना सामान कलेक्ट करती हूँ फिर चलती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जैनर को बहुत ज़्यादा मारा गया होता है और ली युंकी वहीं पर हंस रहा होता है और कहता है अभी तो तुम्हारे पिता को भी बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलने वाली है, अभी तो सिर्फ तुम झेल रहे हो। जनरल इस बात पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और उससे माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मेरे पिता को कुछ मत करना, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। और हम देखते हैं उस डॉक्टर को जो एक ज्वलनशील दवाई लिया होता है और उसके घाव पे लगा रहा होता है और जनरल बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। हमारा एपिसोड नंबर 25 यहीं ख़त्म हो जाता है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।